महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह इत्यादिना संस्थाना स्थापनाया फुले दंपत्यो अवदानम महत्वपूर्णम। सत्यशोधक मंडलस्य गतिविधेषु अपि सावित्री अतीव सक्रिया आसीतः। अस्य मंडलस्य उद्देश्यम आसीतः उत्पीडितानां समुदायानां स्वाधिकारण प्रति जागरण इति। महिला सेवा मंडल, शिशु हत्या प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जागृत करना था। सावित्री अनेक संस्थाया प्रशासन कौशलेन सच्चालवतंती। दुर्भिक्ष काले, प्लेग काले च सा पीड़ित जनानं अश्रातम अवित्र च सेवाम अकरोत। सहायता सामग्री व्यवस्थाये सर्वथा प्रयासम अकरोत। महारोग प्रसारण काले सेवारता सा स्वयं असाधारण रोगण ग्रस्ता 1897 तमे खिताब्दम निधन गता। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने निर्देशन की कुशलता से संचालित किया। अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके और लगातार सेवा की। सहायता की वस्तुएं की व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया। महारोग प्लेग के फैलाव के समय में सेवा में लगी हुई वे स्वयं इस महामारी से पीड़ित हो गई और सन 1897 वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचनाया अपि सावित्री महियंते तस्याः काव्य संकलन वर्तते काव्य फुले सुबुध रत्नाकर चेति भारत देशे महिलोत्यासस्य ग्रहणा बोधाय सावित्री महोदयायः जीवन चरित्रम अवश्यम अध्ययन्त्वम्। साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़कर अर्थात आगे थी। उन्होंने दो काव्य संग्रह है, काव्य फुले और सुबोध रत्नाकर, भारत देश में महिलाओं के उन्नति की स्थिति को गहराई से समझने के लिए सावित्री जी का जीवन परिचय अवश्य पढ़ना चाहिए। शब्दार्थ, प्रतिबंधक, रोकने वाला, स्थापनायाम, स्थापना में, अवदानम योगदान, गतिविधि शु, गतिविधियों में सक्रिया, सक्रिय उत्पीड़िता नाम
सताए गए का। स्वाधिकारण अपने अधिकारों के जागरणम जगाना प्रशासन कौशलेन निर्देशन की कुशलता से सच्चालितवती चलाया दुर्भिक्षण काले अकाल के दिनों में अश्रात्रम बिना थके हुए अविरत लगातार सर्वथा पूरी तरह से महारोग प्रसार काले महान रोग के फैलाव के दिनों सेवारत सेवा में लगी हुई ग्रस्ता युक्त गता हो गई महियते बढ़ चढ़कर है काव्य संकलन द्वयम् दो काव्य संग्रह गहना बुधाय गहराई से समझने के लिए अद्यत्वम पढ़ना चाहिए सरलार्थ महिला सेवा मंडल शिशु हत्या प्र
प्रतिबंधक गृह आदि संस्थाओं की स्थापना में फुले दंपति का योगदान योगदान महत्वपूर्ण है। सत्यशोधक मंडल की गतिविधियों में भी सावित्री बहुत सक्रिय थी। इस मंडल का उद्देश्य पीड़ित समुदायों को अपने अधिकारों के प्रति जगाना था। सावित्री ने अनेक संस्थाओं को अपने निर्देशन की कुशलता से संचालित किया। अकाल के समय और प्लेग के समय उन्होंने पीड़ित लोगों की बिना थके और लगातार सेवा की। सहायता की वस्तुओं की व्यवस्था के लिए पूरा प्रयास किया। महारोग के फैलाव के समय में सेवा में लगी हुई वे स्वयं इस महामारी से पीड़ित
हो गई और सन 1897 ईस्वी सन वर्ष में मृत्यु को प्राप्त हो गई। साहित्य रचना में भी सावित्री बढ़ चढ़ कर अर्थात आगे है। उनके दो काव्य संग्रह है, काव्य फूले और सुबोध रत्नाकर।